माय नेम इज रोहित मौर्य और क्या हाल चाल। वैसे दिमाग में तो सर सब कुछ पूछे, हाल चाल ना पूछे इस समय, क्योंकि हाल तो सबके खराब है। चलो देखो, एक्चुअली कोरोना की वजह से क्या है, पूरा इंडिया लॉकडाउन है तो पढ़ाई तो किसी की नहीं हो रही है। तो मेरे मन विचार आया कि क्यों ना मतलब 12th की एनसीईआरटी एक एक चैप्टर आपको पढ़ा पढ़ा के वीडियो बना के हम यूट्यूब पे डालते रहे और आप वहां से पढ़े और आपकी ताकि पढ़ाई जो है ना कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी, ठीक है। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो जो 12th की एनसीईआरटी है टोटल उसमें 16 चैप्टर है और 5 यूनिट है और फर्स्ट जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो इसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं और हाँ जो रिप्रोडक्शन होता है ना ये सबका बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है, हमारे बहुत फेवरेट है और आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ये पूरा जब बाय पढ़ोगे सबसे मजेदार टॉपिक ही होता है जिसमें सबका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चलो देखो काम की बातें करते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन, पहला चैप्टर जो है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तीसरा चैप्टर होता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर की रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आपको सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना है, बोले तो एंजियोस्पर्म। जब आपने पढ़ा होगा 11th में प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में आपको पढ़ाया गया होगा ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसमें आपको यह बताया गया होगा जो एंजियोस्पर्म होते हैं, कौन एंजियोस्पर्म, यही सिर्फ होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। बाकी अगर बात करो ब्रायोफाइट या टेडोफाइट या जिम्नोस्पर्म, ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते। तो इस चैप्टर में सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, या फिर बात करो फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन, या फिर आगे का डेवलपमेंट पूरा। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें ह्यूमन बारे में पढ़ना है कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे ह्यूमन अपनी प्रोजेनी कंटिन्यू करता है या फिर कह सकते हो जनरेशन टू जनरेशन कैसे बढ़ाता रहता है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या पढ़ते हैं, जैसे आप कह सकते हो कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, या फिर कह सकते हो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करते हैं, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, कैसे फैलती है, या फिर आप ये कह सकते हो टेस्ट बेबी प्रोग्राम बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इन विवो जो भी होता है, सारी चीजें किसमें पढ़ोगे आप, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। उसके बाद अगर बात करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें देखो हमने प्लांट या एनिमल नहीं लिखा है, ऑर्गेनिज्म लिखा है। अगर प्लांट होता तो प्लांट लिखा, या अगर एनिमल होता तो एनिमल लिखा होता, लेकिन लिखा क्या है ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके अंदर क्या होगा, प्लांट भी आएंगे और एनिमल भी आएंगे। अब देखो जो ये दो चैप्टर है एक्चुअली इसका बेसिक होता है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, या फिर कह सकते हो समरी। बहुत सारी बेसिक चीजें आपको इसमें बताएंगे जो आगे चल के सेकेंड चैप्टर बोले तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यूज होगा। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या क्या, जैसे सिंपल जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, या फिर बात करो प्लांट में जो है और जो है जैसे ब्रायोफाइट हो गए, या फिर जो टेडोफाइट हो गए, या फिर बात करो आपके जिम्नोस्पर्म, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या फिर बात करो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें, या बहुत सारी चीजें, या फिर ह्यूमन के अलावा और जो एनिमल होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा कि वो कैसे रिप्रोड्यूस अपने आप को करते हैं, ठीक है। चलो देखो जैसे देखो जब आप कोई भी यूनिट पढ़ोगे, चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की, आप एक चीज नोटिस कि हर यूनिट के जस्ट सामने अगले पेज पे क्या लिखा होता है, मतलब किसी ने किसी साइंटिस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया होता है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, वो वर्क किस पे किए थे, बोटैनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, या फिर उनको कौन कौन से फेलोशिप मिले थे, कौन से अवार्ड मिले थे, ये बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, या फिर उनका जन्म हुआ कहां था। तो वैसे ही अगर बात करो रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन में एक ग्रेट साइंटिस्ट थे पंचानन महेश्वरी, इनके बारे में पूरा डिटेल देखो। अभी क्या है ना इस समय तो थोड़ा कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन साइंटिस्ट से, पहले क्या होता जैसे एमए होता था जब, तो उस समय क्या होता था एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर आते थे, लेकिन इधर रिसेंटली मैं देखा हूं बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आ जाए, फिर बाद में होगा कि वो छूट गया मैं तो पढ़ाई नहीं था इसलिए मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। तो ध्यान दो कुल मिला के 6-7 पॉइंट जो है आपके टोटल है इसमें, तो मेन चीज मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो या फिर आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लो बाद में लिख लेना। जैसे देखो अगर बात की जाए पंचानन महेश्वरी के बारे में, तो इनका जो बर्थ हुआ था वो 1904 में जन्म हुआ था और डेथ हुई थी 1966 में। उसके बाद अगर बात करें प्लेस कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, जयपुर राजस्थान।
ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अगर सेकंड पार्ट की सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं तो ये जूलॉजिस्ट नहीं थे, बोटैनिस्ट थे। जैसे क्या होता है ना, जैसे रिप्रोडक्शन आपको लग रहा होगा ना कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें रिप्रोडक्शन में हो सकता है जूलॉजिस्ट है, बॉटनिस्ट, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, ये बोटैनिस्ट थे। उसके बाद एक होता है इंस्पायर, जैसे आप किसी को अपना वो मानते हो, क्या बोलते हैं, जैसे कि आप उनकी तरफ बनना चाहते हो या फिर उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, तो ऐसे ही एक थे डॉक्टर डब्ल्यू डेजियोंग, जो इनके टीचर थे, एक्चुअली अमेरिका के जो इनका जहां पे पढ़ते थे वहां पे मिशनरी के टीचर थे, तो उनसे बहुत इंस्पायर थे। उसके बाद अगर बात करो चौथे पॉइंट, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां की जो बॉटनी डिपार्टमेंट थे उसके कह सकते हो एस्टेब्लिश, या फिर कह सकते हो वहां पे जो बॉटनी डिपार्टमेंट स्थापित किए थे वो यही थे, कौन, पंचाना महेश्वरी, और खास करके एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर, जो वहां पे क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट होते थे, मेन इन्हीं के नाम पे जाने जाते हैं कि इन्होंने ही शुरुआत कराई थी इस चीज की। उसके बाद अगर बात करें पांचवें यूनिट, पांचवें लिखा है टेस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन, ये वर्क किए थे इन दो उस पर, कौन कौन सा, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन। एक्चुअली क्या है ना, ये स्टार्टिंग के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में जो है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन के स्टार्टिंग या फिर कैसे तो स्टार्ट जो किए थे वो यही थे। इसके पहले इसके बारे में लोग नहीं जानते थे कि टेस्ट ट्यूब, आप तो देख लोगे, आप लखनऊ में देख लो, कहीं भी देख लो, आपको बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे जो क्या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम चलाते हैं, फिर कह सकते हो टेस्ट ट्यूब से बच्चे को बॉर्न कराते, लेकिन उस समय नहीं था, उस समय क्या स्टार्टर यही थे, अगर कह सकते हो स्टार्टिंग करने वाले यही थे। उसके बाद अगर बात किया जाए कि जो पहली टेस्ट बुक थी, क्या जो पहली टेस्ट बुक थी एनसीईआरटी की बायोलॉजी, उस जब बनी थी सन था वो 1964 में, टेस्ट ट्यूब को पब्लिश करने में या फिर कह सकते हो बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। और सोचो टेस्ट ट्यूब टेस्ट बुक जो था वो 1964 में वो हुआ था और 1966 में इनकी डेथ हो गई, मतलब इसके जस्ट दो साल बाद। उनको कुछ इनाम मिले थे या फिर कह सकते हो कुछ फेलोशिप भी मिली थी, जैसे पहला था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FRS खास करके इस नाम से ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, क्या FRS रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, और एक था दूसरा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ये दो अवार्ड मिले थे इनको। इसके अलावा बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको मिले थे, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ दो है तो हम लोग सिर्फ दो ही याद करेंगे। तो इसमें क्या आपको सिर्फ मेन पॉइंट ध्यान देना है, पूरा नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने बताया जन्म हुआ था 1904 में, डेथ हुई 1966 में। उसके बाद अगर बात करो जयपुर राजस्थान में, इनका जन्म हुआ था, एक जूलॉजिस्ट नहीं थे बोटैनिस्ट थे, ये याद रखना है। उसके बाद मैंने कहा था एक के डॉक्टर डब्ल्यू डेजियोंग जो कि अमेरिका के मिशनरी टीचर थे, उनसे बहुत इंस्पायर थे। उसके बाद अगर बात करो इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी दिल्ली में इन्होंने बनाया था, और एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर की शुरुआत अगर बात करो एक्सपेरिमेंट की तो इन्होंने ही कराई थी वहां पे। उसके बाद ये वर्क किए थे टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन, ठीक है, इन दो चीजों पे इन्होंने वर्क किया था। और जो फर्स्ट टेस्ट बुक एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग हुई थी 1964 में, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद अगर बात करो इन्हें कुछ अवार्ड मिले थे, जैसे पहला रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन FRS ये, और दूसरा इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी अवार्ड, ये तो फेलोशिप या कह सकते तो अवार्ड से इन्होंने नवाजा गया था। इसके अलावा बहुत सारे इनको अवार्ड मिले थे, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में दो है तो हम लोग, तो कुल मिला के 7 पॉइंट इनके बारे में याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। अगर कभी इनके बारे में कुछ भी पूछा जाता तो इसके बाद बहुत ही मुश्किल है कोई पूछा जाए, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद देखो अब जो है ना इनका हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आपको पढ़ाएंगे कि उसमें पहला टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। अब देखो जैसे पंचाना महेश्वरी के बारे में मेन बातें हो गई, ठीक है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, हो सकता है कभी ना कभी पूछ लिया जाए, और एनसीईआरटी में जो चीजें दी है तो उसे तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो देखो अब बात बढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो हम इससे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ बताएं, एक्सप्लेन करें रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, या फिर एट ऑल जो भी जानकारी है, उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है, तो पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद में रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये भी जरूरी है लाइफ स्पैन किसकी, एनसीईआरटी ने दिया है दो पेज में तो जाहिर सी बात है कुछ सोच के ही दिया होगा। चलो देखो एक लाइन है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कह रहा है
ईच एंड एवरी, मतलब प्रत्येक जो जीव है वो एक सर्टेन सर्टेन पीरियड तक जीवित रहते हैं, मतलब उनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, लाइफ स्पैन होती है। ऐसा नहीं है, आपने सुना भी होगा कई जब, जैसे कभी अगर महाभारत देखा होगा तो उसमें बताते हैं कृष्ण जी कि अर्जुन जी से कि जो भी इस दुनिया में आया है वो एक ना एक दिन मरेगा जरूर, ठीक है, जो भी जिंदा है वो एक ना एक दिन मरेगा जरूर। देखो ईच एंड एवरी ऑर्गन का लाइफ ओनली ए सर्टेन पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितने भी ऑर्गन होते हैं वो एक सर्टेन पीरियड तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद क्या होती है, डेथ होनी तय है। अब देखो तुम्हारे मन में विचार आता है क्या ऐसा भी हो सकता है कि सारे जितने ऑर्गन होते हैं सबकी लाइफ स्पैन सेम होती है, क्या जितने ऑर्गन होते हैं सब एक एक टाइम पीरियड, मतलब जो भी एक फिक्स टाइम है सिर्फ उसमें जिंदा रहते हैं? नहीं, सबकी अलग अलग होती है, जितने स्पीसीज होते हैं सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। जैसे देखो उसके बाद लिखा लाइफ स्पैन, लिखा द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गन रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन। देखो अगर बात करें जितने भी ऑर्गन होते हैं बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। देखो अगर हम बात करें कि जो लाइफ स्पैन होता है वो सारे ऑर्गन का अलग अलग होता है, अगर हम बात करें फ्रूट फ्लाई की तो बहुत कम होता है, 1 to 2 week होता है, अगर हम बात करें मैंगो ट्री का तो 200 to 300 years होता है, या फिर हम बात करें पीपल ट्री 900 to 1500 साल तक जिंदा रहते हैं, अगर हम बात करें एलिफेंट की तो उसकी 60 years होता है। अब देखो तो इतनी बातें समझ आ गई, हाँ एक शब्द आया आपका नेचुरल डेथ, ऐसा नहीं कह सकते कि टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन, नहीं, क्योंकि डेथ तो ऐसा थोड़ी है, मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ और किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई मान लो 10 साल में, तो क्या आपको सारे ह्यूमन बींग है उनकी जो लाइफ स्पैन 10 साल होता है, नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते, डेथ जो होती है वो नेचुरल होना चाहिए। या फिर मान लो जो मैंगो ट्री है ऐसा हो जाए कि मान लो कोई मैंगो का ट्री 10 साल का हुआ 20 साल का हुआ आधी तूफान आया और वो टूट गया या पूरा पेड़ उसका उखड़ के गिर गया, तो क्या कहोगे कि जो मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन होती है वो सिर्फ 10 साल होती है? ऐसा नहीं होता, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब देखो जैसे अगर बात करो ह्यूमन बींग की लाइफ स्पैन कितना होती है, तो नॉर्मल अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए सबका मिला तो 79 दिया गया, लेकिन अगर इंडिया बात करो तो 70 के आसपास होती है, या फिर जापान वगैरह जैसे देश की बात करोगे तो 80 के आसपास होती है, राउंड फिगर 79 बोल दिया जाता है। तो सारे जो ऑर्गन होते हैं सबकी लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। अब देखो लाइफ स्पैन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे मान लो सेम स्पीसीज के एक कंट्री में लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा है, एक कंट्री में थोड़ा सा कम है, उसका रीजन होता है कई, जैसे मान लो थोड़ा आपके डाइट पे भी डिपेंड करता है, वहां का एनवायरमेंट कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है, एक साथ साइज पे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि लाइफ स्पैन किस देश, जैसे मान लो जापान की, वहां हो सकता है कि हमारे अच्छा हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा एनवायरमेंट हो इसलिए वहां लाइफ स्पैन ज्यादा, अपने वहां से कम हो सकता है, थोड़ा बहुत एनवायरमेंट का फर्क पड़ता हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, मान लो ऐसा नहीं होगा कि एक का जो है 10 साल है दूसरे का 100 साल, इतना डिफरेंस नहीं होता, बस 5 साल 8 साल 10 साल इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया आपकी नॉर्मल लाइफ स्पैन के बारे में। अगर अब हम बात करें कि जो लाइफ स्पैन होता है, देखो जैसे अब तक मैंने आपको बताया कि लाइफ स्पैन के बारे में किसकी कितनी होती है, एक पॉइंट आप नोट करोगे यहां पे, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट कोरिलेटेड विद साइज, लाइफ स्पैन जो होती है ना ऐसा नहीं है कि ये साइज पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड नहीं करती, अगर साइज पे डिपेंड करती होती तो आप ये सोचो ना कि जो पैरट होते हैं या क्रो होता है दोनों की साइज लमसम सेम है, आपने नोटिस किया होगा, लेकिन अगर बात करो लाइफ स्पैन की दोनों में बहुत वेरिएशन है, जहां अगर बात करो क्रो की लाइफ स्पैन जो होती है वो होती है आपकी 15 years, जो पैरट होते हैं इसकी लाइफ स्पैन होती है 140 years, देखो ना कितना डिफरेंस है, अगर साइज पर डिपेंड करता तो इन दोनों की लाइफ स्पैन सेम होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों की लाइफ स्पैन सेम नहीं है। चलो कोई नहीं, आप कहोगे सर ठीक है आपने एक एग्जांपल दिया, और कोई एग्जांपल आए ना आपकी एनसीईआरटी में दिया है, मैंगो ट्री और पीपल ट्री, देखो इसकी जो लाइफ स्पैन होती है ये होती है 200 to 300 years, और जो इसकी लाइफ स्पैन होती है वो होती है 900 to 1500 years, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसकी लाइफ स्पैन 200 to 300 years है और इसकी लाइफ स्पैन 900 to 1500 years है, अगर साइज देखोगे तो दोनों का सेम होता है नियर अबाउट सेम, लेकिन लाइफ स्पैन देखोगे तो बहुत डिफरेंस है। चलो मैं एक एग्जांपल और आप बताता हूं, पीछे जो फिगर दी है वहां पे आप देखोगे, जैसे
एलिफेंट हो गया और आपके क्रोकोडाइल, दोनों का लाइफ स्पैन सेम है, क्या साइज सेम है? नहीं है साइज सेम। अगर साइज पे डिपेंड करता तो वहां पे क्या दोनों की साइज सेम होनी चाहिए थी, लेकिन साइज सेम नहीं है। तो आप सोचो जो लाइफ स्पैन होता है साइज से कोई लेना देना नहीं होता, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबके लाइफ स्पैन अलग अलग होते हैं, किसी के एक या दो वीक होते हैं तो किसी के हजारों साल होते हैं। जैसे आप पीपल के देख लो 1500 साल तक जीता है, या फिर अगर फ्रूट फ्लाई की बात करोगे तो एक से या दो वीक जीते हैं, ठीक है। तो ये होती है लाइफ स्पैन। अब देखो नॉर्मली आपने देखा होगा कि लिखा रहता है, लिखा नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इमोर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है, जो इस धरती पे जन्म लिया है वो मरेगा जरूर, ठीक है। अब देखो लेकिन लिखा है लास्ट में एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं डेथ होती इनकी, ये क्या होते हैं, ये इमोर्टल कह सकते हो। लेकिन हाँ बायोलॉजिकली नॉर्मल ऐसा नहीं है कि आप ले जाके अमीबा को तेजाब में डाल दो या उसको आग पे डाल दो तो मरेगा ना, लेकिन नॉर्मली जो होती है नेचुरल डेथ नहीं होती कभी। आपके मन में ये भी आएगा कि सर ऐसा क्यों होता, किन नेचुरल डेथ नहीं होती, मैं समझा रहे ना आप। देखो जैसे मान लो ये एक अमीबा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले या फिर आगे पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में, जो अमीबा होता है ये बाइनरी फिशन करता है। ये मान लो यहां से क्या हुआ, डिवाइड होना शुरू किया और आगे चल के क्या करता है, दो अमीबिम बन जाता है। तो आप देखो ना इसकी डेथ थोड़ी हुई, ये क्या हुआ डिवाइड करके दो नए अमीबे बना दिए। आप कह सकते हो जो पेरेंटल अमीबा था या फिर जो पेरेंटल अमीबा था ये अपनी लाइफ स्पैन अपने बच्चों में जीता है। आप ऐसा सोचो ना कि अगर ऐसा कोई ट्रिक होता कि मुझे यहां से बीच से काट दो, ठीक है, उसके बाद मेरे दो टुकड़े मेरी फोटोकॉपी दो बन जाए तो क्या मैं मरा? नहीं, मैं नहीं मरा। क्यों? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं क्या अपने बच्चों में जी रहा हूं जो हमसे रीजनरेट करके बने। वैसे जो अमीबा होता है ना ये रीजनरेट करता है, जब डिवाइड करते हैं दो में बनते हैं, और क्या जो पेरेंटल होता है वो अपने बच्चों की लाइफ स्पैन जीता, तो इसकी कभी डेथ नहीं होती, नेचुरल डेथ कभी नहीं होगी। जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो लाइफ स्पैन होता है, मैंने बताया था टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब नेचुरल डेथ होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप अमीबा को उठा के आगे बैठा दिए या फिर तेजाब में डाल दिए। आपने कह दिया कि आपने तो सर बोला था कि जो अमीबा होते हैं इनकी कभी डेथ ही नहीं होती, देखो हमने तो अमीबा की डेथ करा दी, तो उसको नहीं माना जाएगा ना, नेचुरल डेथ होना चाहिए, तभी आप कहोगे कि हाँ उसकी डेथ हुई। अब देखो चल देखो एनसीईआरटी में जो सेकंड पेज है उस पर क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए हैं, कुछ प्लांट दिए हैं, कुछ एनिमल दिए हैं और उनके लाइफ स्पैन बारे में बताया गया है कि किस प्लांट या किस एनिमल का कितना लाइफ स्पैन होता है। हालांकि सारे मैंने बताया था सबके अपने अपने लाइफ स्पैन होते हैं, तो आपको सारे नहीं याद करने, जो एनसीईआरटी दिया है वो याद रखें क्योंकि पूछेंगे तो इसी में से पूछेंगे। कुछ की उन्होंने लाइफ स्पैन खुद दे रखे हैं लिखे हैं और कुछ को उन्होंने नहीं लिखा है, तो जो नहीं लिखा है यहां से आप फिलअप कर लेना, जो लिखा है उसकी कोई बात नहीं। देखो अब ये दिक्कत होती है ना कि सर लाइफ स्पैन जो होता है एक बार याद तो करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा ट्रिक हो या फिर कोई याद कराने का तरीका हो ताकि कभी ना भूले। देखो जैसे अगर कभी आप गांव गए होंगे या फिर ऐसे नार्मल देखे होंगे, जो डॉग होता है ना ये देखना गाय को काटने के लिए दौड़ता है, ठीक है, और जो काऊ होती है काऊ खाती है पनाना ट्री को, ठीक है, तो देखो ना कहीं ना कहीं रिलेशन है इन लोगों का, डॉग किसको काटने दौड़ता है गाय को और गाय किसको खाती है बनाना ट्री को, तो तीनों का रिलेशन, और देखो तीनों का लाइफ स्पैन भी क्या है सेम है 25 ईयर। हालांकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं तो आप सोच के बैठे अच्छा सर ने बोला था कि डॉग जो है काऊ को काटता है काऊ जो है बनाना खाती है इसलिए लाइफ स्पैन तीनों के सेम है, इसलिए नहीं है, ये तैयार कराने का एक तरीका है ताकि आप कभी भूले ना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एलिफेंट और क्रोकोडाइल, आप जब पेज पर टोके तो दो ही एनिमल ऐसे हैं जो डेंजर है, ठीक है, दो एनिमल डेंजर है, जो डेंजर उनका देखो लाइफ स्पैन क्या है 60 ईयर। अरे कोई लोग सर सेम डेंजर है तो कभी एलिफेंट के पास जाके देखो ना या फिर क्रोकोडाइल के पास जाओ बोलो और चचा क्या हाल है तो पता लग जाएगा, ठीक है, तो डेंजर में क्या दोनों आते हैं, तो दोनों के लाइफ स्पैन कितना है 60 ईयर। कभी आप लोगों ने मूवी देखी है, देखा होगा तो जब हीरो या फिर जो भी पुरानी मूवी देखना जब लड़ाई वगैरह वाली तो उसमें देखना जब बंदा घोड़े बैठता है तो ऐसे थोड़ी करता है दो उंगली से या तीन या पांच उंगली मारता है चल मेरे घोड़े, ठीक है, तो पांच उंगली से मारता है मतलब 50 ईयर आई बात समझ में, तो इतने तो मैंने ऐसे याद करा दिए, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया डॉग जो है
काऊ के काटने के लिए दौड़ता है, और काऊ किसको खाती है, बनाना ट्री को। तीनों का लाइफ स्पैन क्या है, 25 ईयर। लेकिन मैंने ये भी बताया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ट्रिक है तैयार करने का। उसके बाद मैंने बताया कि दो क्या है इसमें, डेंजर एनिमल या फिर खतरनाक, जैसे एलिफेंट हो गया, क्रोकोडाइल, इनका लाइफ स्पैन क्या है, 60 ईयर है। उसका फिर मैंने बताया, कभी आपने मूवी में देखा होगा जब घोड़े बैठते हैं तो पांचों उंगली स्थापन होते हैं, तो इनका 50 ईयर। अब देखो उसके बाद आता है आपका फ्रूट फ्लाई और बटरफ्लाई। देखो दोनों का लमसम सेम है, जो फ्रूट फ्लाई है इसका एनसीईआरटी में दिया है 1 to 2 वीक, और जो बटरफ्लाई है यहां पे नहीं दिया है, आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे वहां पे दिया है कि अबाउट 2 वीक, मतलब 2 वीक के साथ। हालांकि जब पूछा जाएगा तो 1 to 2 वीक दोनों का याद कर सकते हो, नियर अबाउट दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों के, अब बचे इधर, देखो क्रोम पैर, अगर दोनों में, क्योंकि दो बाइट दिए हैं, तो अगर इन दोनों में आपसे पूछे कि दोनों में किसका ज्यादा है फिर कितना, तो देखो एग्जैक्ट तो आपको याद करना होगा, वैसे मैं बता दूं, अगर आप देखोगे आपको दोनों में कौन ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, सबको है तोता, सबको पसंद होता है ना कि क्रो, ठीक है। तो जो पसंद होता है हम क्या चाहेंगे कि भाई उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी हो, ठीक है, जो नहीं पसंद होता उसकी जिंदगी लंबे हो या फिर छोटे, हमसे क्या लेना देना, ठीक है। तो जो पैरेट होता है वो हमें ज्यादा पसंद होता है। तो देखो इसकी जो लाइफ स्पैन कितना, 140 ईयर, और जो क्रो है इसकी लाइफ स्पैन क्या है, 50 ईयर। उसके बाद आता है टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस की जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 100 से 150 ईयर, ठीक है, कितना होता है 100 से 150। उसके बाद आपका आता है रोज, रोज की लाइफ स्पैन होती है 10 ईयर। राइस प्लांट, कभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो राइस का प्लांट होता है, हम लोग ज्यादातर राइस में जो बुआई करते हैं वो करते हैं नियर अबाउट जून में, मिड जून में, और जो काटते हैं वो अक्टूबर से नवंबर, तो बीच का देखोगे 4 महीने का लमसम गैप होता है। तो ऐसे आप सोच के भी इसका लगा सकते हो, याद भी कर सकते हो कितना होता है, 4 मंथ होता है। उसके बाद आता है बनियान ट्री, जिसका होता है 200 साल। अब देखो इसमें से बहुत सारे आपके लिखे गए हैं एनसीईआरटी में, लिखा है कुछ नहीं लिखा है, तो उसको क्या करोगे आप अपनी बुक में लिख लो, थोड़ा सा समय दे रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हो, उसके बाद फिर हम और आगे समझाते हैं। चलो देखो हो गया, आप लोग लिखिए। देखो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इसमें से किसी की भी लाइफ स्पैन। देखो मैंने कहा था इन तीनों का रिलेशन है, जो डॉग होता है वो काउ को काटने दौड़ता है, काउ क्या करते हैं बनाना कपल प्लांट जो है उसको खाते हैं, तो इसलिए तीनों का जो लाइफ स्पैन है 25 ईयर है। फिर मैंने बताया एलिफेंट और क्रोकोडाइल दोनों डेंजर होते हैं, इसलिए इसका दोनों का सेम लाइफ स्पैन 60 ईयर। मैंने कहा था जो हॉर्स होते हैं, मैंने बताया था ऐसे मारते हैं, मतलब 5 मिनट, मतलब 50 ईयर। उसके बाद मैंने बताया था फ्रूट फ्लाई और बटरफ्लाई दोनों का नियर अबाउट जो लाइफ स्पैन है इसका, फ्रूट फ्लाई बटरफ्लाई का 1 to 2 वीक होता है, फ्रूट फ्लाई का कितना होता है 2 वीक होता है। उसके बाद बात करें टॉर्टॉइस का 100 से 150 साल होता है, क्रो का होता है आपका 15 ईयर होता है, जो पैरट होते हैं इनके कितना होता है 140 साल। मैंने जब वहां पे बताया था ना कि साइज नहीं कोरिलेट नहीं करता कि साइज किसी कितनी है वो लाइफ स्पैन पे डिपेंड, तो हाँ मैंने बताया था देखो दोनों की साइज सेम होते हैं, लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। उसके बाद मैंने बताया था रोज का क्या होता है 10 ईयर होता है, राइस प्लांट का 4 मंथ होता है, और बनियान ट्री का 200 साल। अब देखो मैंने बताया सबकी एक सर्टेन लाइफ स्पैन होती है, आप बोले ठीक है सर आप कह रहे हो तो हम मान ले रहे हैं, ठीक है, कि सबकी एक सर्टेन लाइफ स्पैन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब सबकी सर्टेन लाइफ स्पैन, तो आपके दिमाग में कभी विचार आता होगा ना कि सर ठीक है सर आप बोल रहे हो सबकी सर्टेन मतलब एक लाइफ स्पैन सबकी फिक्स है, तो ऐसा क्यों, जो लाखों साल पहले ह्यूमन बींग पाए जाते तो आज भी पाए जा रहे हैं, या फिर जो मैंगो प्लांट था लाखों साल पहले पाया जाता था वो आज भी पाया जा रहा है, या फिर जितने और भी एनिमल हैं जो पहले पाए जाते थे वो आज भी पाए जा रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जब कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट होता है जब उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद ही वो नेचर में कैसे कंटिन्यूस बना हुआ है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है। उसके बाद अगर बात करें, अब देखो ये सब पूरा समय आ गया तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हाँ आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई भी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।